सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू गेमिंग कमेंट्री वीडियो। तो इसमें भी फिनिक्स ले रखा है, तो अभी ये गेम चल रही है, गेम चल रही है, आगे चल रहा है, फिनिक्स मर आगे बढ़ रहा है। तो फिनिक्स इस बार फिर ए पे चार्ज करेगा। तो यहाँ पे उसने अपना सिंबल दिया, तो यहाँ पे ये टिक टॉक करते करते समय बीत रहा है। अभी और थोड़ी देर में समय समाप्त हो जाएगा। और ये जो दीवारें हो रखी हैं ब्लू ब्लू सी, गंदी गंदी सी, जो दूसरी ओपोनेंट टीम को मरने से बचा रही है हमारी टीम से, तो वो खत्म हो चुकी है। फिनिक्स यहाँ पे पीक लेने की, उसमें पीक लिया उसने और फ्लैश किया, और वहाँ पे कोई भी नहीं है। फिनिक्स वहाँ पे पता लग गया कि ये साइड पे तो कोई आया ही नहीं, इसलिए मिडल मिड में और बी साइड पे कॉल दी गई है। तो फिनिक्स यहाँ पे अल्ट करके जा रहा है। फिनिक्स आगे अप्रोच कर रहा है, पर ओपोनेंट टीम ने वहाँ पे फ्लैश कर दी, इसकी वजह से फिनिक्स को कुछ दिखा नहीं। तो वहाँ पे कोने में उनकी जो प्लेयर था वो छुपा हुआ था, जिसकी वजह से फिनिक्स का अल्ट हो गया ख़राब। अब फिनिक्स फिर से वापस आया, और फिनिक्स अब फिर से वहाँ पे चार्ज लेने की उसमें कुछ कोशिश में, बट फिनिक्स मर गया बेचारा। तो अब जो ओपोनेंट टीम है, जो मिड में दो प्लेयर थे जिसमें से एक प्लेयर मर चुका है, और वो दूसरे प्लेयर के ऊपर चार्ज करी जा रही है, उनके ऊपर प्रेशर बिल्डअप कर रही है ओपोनेंट टीम हम पर। तो अभी जो हमारा जो मेरी टीम का प्लेयर है, जो हमारी रेज है, उसने ऑप उठाई हुई है, और वो अपनी ऑप से जेट के ऊपर अटैक कर रही थी। अब जैसे हमारा ये जो सोवा है, ये मिड में आ चुका है सोवा, अब जो है वो देख रहा है कि मिड में कोई है कि नहीं। अब जो हमारी सेज है वो देख, तो यहाँ पे ब्रिमस्टोन ने हमारी जो सेज है, जो हमारी रेज है, उसे मार दिया। अब जो हमारा सोवा टीम का, वो हक गया, पूरी पूरी तरह से हक गया वो, तो वो हक गया। अब वो उसे ऐसे लग रहा है कि वो मार देगा, पर वो नहीं मार पाया ऑप से, और जेट ने अपना कर्तव्य दिखा दिया, अपने अल्ट से सोवा को मार दिया। तो यहाँ पे अब अगला राउंड स्टार्ट होगा। अगले राउंड में फिर से उसने वैंडल दी फिनिक्स ने, और अपनी सारी यूटिलिटीज़ के साथ इक्विप हो गए, वो आगे बढ़ रहा है। तो अब जैसे जैसे वो आगे जा रहा है, तो इस वक्त सबसे पहले वो ऊपर से रैंप से अटैक करता था फिनिक्स। अब फिनिक्स नीचे उतरा, फिनिक्स कह रहा है कि अब मैं सीधे मेंस के थ्रू जाऊंगा और देखना चाहूंगा कि वहां पे बंदे हैं कि नहीं है। फिनिक्स अब डायरेक्ट पीक लेने की उसमें है, तैयारी में, उसके दिमाग में यही चल रहा है कि मेरे को डायरेक्ट पीक लेनी है। तो उसने पीक लिया, जिसकी जो कि उसकी बहुत बड़ी गलती थी। तो ऐसे कभी गलती नहीं करनी, कभी वैसे पीक नहीं लेनी, क्योंकि अगर सामने ऑपर हो फिर तो तुम गए। तो अभी जहाँ पे मेरी टीम मास्कमैन की टीम का जो प्लेयर है, वो मिड में है, ऑप लेके खड़ा है, और दो बंदे वहाँ पे है, जो कि बिल्कुल बहुत ही गंदा इनकी अरेंजमेंट हो रखी है टीम की। तो यहाँ पे एक बंदा हेवन से बी मेंस की ओर देख रहा है, और दूसरा रैंप की ओर देख रहा है, और ए साइड के ऊपर ओपोनेंट टीम ने चार्ज कर दिया। तो अब यहाँ पे पूरी टीम को कॉल दे दिया गया है कि वो ए साइड आ रहे हैं। तो उनके ओपोनेंट टीम की रेंज ने बहुत ही बढ़िया खेला, उसने रैंप के ऊपर अपना बोर्ड छोड़ा, और वो मेंस की ओर बढ़ चुकी हैं। तो यहाँ पे जेट को लग रहा है कि वो अगर वहाँ पे हैं तो सारी टीम रोटेट कर चुकी है, उन्होंने ओपोनेंट टीम ने ऐसे सोचा होगा, जिसकी वजह से अब वो मिड में होंगे। तो जेट हमारा मिड में जा रहा है उनको ये देखने के लिए कि क्या कोई मिड में है। तो जेट अब उनको बैक स्टेप करने की कोशिश में, इसलिए वो वाटर्स के थ्रू उनके पीछे जा रहा है। तो अब जाते 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 जा रहा है टिक टॉक करते करते चल रहा है हमारी जेट। तो जेट को क्या जेट मार पाएगी अब ओपोनेंट टीम के प्लेयर को, क्योंकि अभी तक वो सपोर्ट नहीं हुई है कि वो बैक स्टेप आ रही है। तो यहाँ पे जो जेट है, उसने अपनी पोजीशन ले ली हुई है कि अगर कोई भी यहाँ से क्रॉस करने की कोशिश करेगा, तो वो जेट जो है उसे सीधे मटका फोड़ देगी उसका। पर वो ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि जो ओपोनेंट टीम है वो ऐसे लग रहा है कि ओपोनेंट टीम जो है वो पहले ही साइड पे पहुंच चुकी है। तो अब ओपोनेंट टीम ने अपना पूरा जो है साइड ले चुकी है। अब जेट ने डैश मारी है, जेट ने प्लांटर को तो मार दिया, पर गलती से जो है जेट ने अपने पीछे नहीं देखा और वो मर चुकी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू दी चैनल।